हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेयर्स का वीडियो नंबर 43 करने जा रहे हैं लीडको नंबर 214 हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी इजी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे भी हम लोग ओके शॉर्टेस्ट पेलेंड्रॉम यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस यू कैन कन्वर्ट एस टू अ पेलेंड्रॉम बाई एडिंग कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ इट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है रिटर्न द शॉर्टेस्ट पेलेंड्राम यू कैन फाइंड बाई परफॉर्मिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर देखो ए क्या है इनपुट देखो तो क्या है ए ए सी ई सी ए देखो अभी ये पैलेंड्रॉम नहीं है देखो ये पैलेंड्राम नहीं है क्योंकि देखो ए ए बराबर है ए ए बराबर है सी ए बराबर नहीं है राइट तो ये अभी पैलेंड्रॉम नहीं है ठीक है तो इसको पैलेंड्राम बनाने तो के लिए क्या किया है? बस एक करेक्टर यहाँ पर ऐड कर दो तो ये पैलेंड्रॉम बन जाएगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पैलेंड्रॉम है जो आप बना सकते हो बाई अपेंडिंग अ करेक्टर इन फ्रंट ऑफ इट है ना फ्रंट पर ऐड करना है कहीं और नहीं ऐड करना है ठीक है तो यहाँ पर ए के और ऐड कर दिया तो देखो ये मेरा पैलेंड्राम बन गया यही मेरा आउटपुट था यहाँ पर देखो ए बी सी डी है ना ए बी सी डी तो ये फ्रंट में क्या ऐड करोगे फ्रंट में अगर आप डी ऐड कर दोगे तो डी और डी मैच हो गया बट ए और सी मैच नहीं हुआ ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट में आपको सी भी डालना पड़ेगा क्योंकि सी मैच नहीं हुआ था तो हम क्या करेंगे इस बार डी भी ऐड कर देंगे सी भी ऐड कर देंगे तो डी और डी मैच हुआ सी और सी मैच हुआ ए और बी ये मैच नहीं हो रहा है तो मतलब बी भी हमें ऐड करना पड़ेगा तो हमने क्या किया डी सी बी ऐड कर दिया तो इस बार देखो डी डी सी सी बी बी ये भी मैच हो गया ठीक है अब देखो ये हमारा पलेंडोम बन गया डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी यहाँ तक क्लियर है ये मेरा आउटपुट था ओके तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए सबसे पहले सबसे बिगिनर लेवल वाला जो अप्रोच है ना जो सबसे सबसे स्टार्टिंग में किसी के मैम ने अगर कोई अप्रोच आएगा पहले उस पर चलते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे अब देखो ध्यान दो मैंने छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है तो आपको क्वेश्चन में याद होगा क्वेश्चन में क्या बोला था कि अपेंड आपको फ्रंट में करना है कहीं और आप इंसर्ट नहीं कर सकते करेक्टर को ठीक है तो अब देखो इस ये स्ट्रिंग मेरा पेलिंड्रोम तो नहीं है तो पेलिंड्रोम बनाने के लिए आपको फ्रंट पे कुछ ऐड करना है राइट तो अब एक चीज़ ध्यान दो और आपको शॉर्टेस्ट पेलिंड्रोम बनाना है तो अब देखो कौन वो विक्टिम कौन है वो कौन है जो मुझे पेलिंड्रोम बनने से रोक रहा है यहाँ पर देखो ध्यान दो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो ये ए है और ये डी है तो आइडियली यहाँ पर डी होना चाहिए था राइट इधर डी होना चाहिए था बट यहाँ पर डी है नहीं ठीक है तो इस करेक्टर को डिलीट तो कर नहीं सकते है ना हमेशा हमें अपेंड ही करना है ठीक है तो अब देखो ध्यान दो जो बंदा मुझे इसको पैलेंडोम बनाने से रोक रहा है वो ये है सफिक्स है राइट ये डी है जो रोक रहा है अभी तक तो डी ही लग रहा है मुझे तो अगर मैंने यहाँ डी को ऐड किया प्रीफिक्स में ऐड किया मतलब यहाँ अपेंड किया फ़्रंट में तो देखते हैं पहले नाम बनता है कि नहीं हाँ ये देखो बन गया डी ए बी ए डी ठीक है और मतलब तो मैंने कैसे ढूंढा वो समझो अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मान लेते हैं मेरा एग्जाम्पल ये होता ए बी ए डी जेड ठीक है अब देखो ध्यान दो यहाँ पर मुझे सफिक्स में अगर मैं देखूँ तो ये Z है बट यहाँ Z नहीं है तो मुझे Z डालना पड़ेगा तो यहाँ पर जो सफिक्स था ये वाला सफिक्स अब देखो यहाँ पर मैंने उसको प्रीफिक्स भी बना दिया है तो देखो ये z और ये z इक्वल हो गया तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये पैलिंड्रोम बन जाएगा बट आगे बढ़ते हैं देखो ये a और ये d ये भी मैच नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये सफ़िक्स चाहिए होगा फ्रंट में मतलब मुझे यहाँ पर z और d चाहिए होगा तब हो सकता है कि पैलिंड्रोम बन जाए देख लेते हैं तो देखो जो सफिक्स मैंने यहाँ ऐड किया वही प्रिफिक्स मैंने यहाँ पर ऐड किया अब देखते हैं पैलिंड्रोम है कि नहीं जेड जेड डी डी ए ए बी यस इस बार बन गया है पेलेंड्रोम तो देख हो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो मैं कुछ टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ आपको आपको आप उस बंदे को ढूंढ रहे हो जो पेंड्रॉम बनने से रोक रहा है मुझे और वो कौन है सफिक्स ऑब्वियस से बात है ना क्योंकि आपको आंसर में क्या बोला गया कि अपेंड करना है फ्रंट में तो फ्रंट में भाई किसको अपेंड करोगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था है ना यही सफिक्स था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ठीक है और आपको शॉर्टेस्ट पेनड्रॉम बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप शॉर्टेस्ट सफिक्स ढूंढोगे है ना शॉर्टेज सर्फिक्स ढूंढेगा जिसको यहाँ ऐड करने पर वो पेलिंड्रोम बन जाए तो मैंने ढूंढा कि अच्छा यहाँ जेड डी ऐड किया जाएगा तो पेलिंड्रोम बन जाएगा ये यह। यहाँ तक क्लियर है ठीक है तो ये मेरा प्रेफिक्स में हमने ये ऐड किया और ये सफिक्स हमने ढूंढा जो कि हमें पेलिंड्रोम बनाने से रोक रहा था तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया ठीक है यहाँ तक क्लियर है और पता है आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका इनपुट था मान लेते आपका ये इनपुट था आप सबसे बड़ा वैलिड पेलिंड्रोम ढूंढ रहे हो उसमें सबसे बड़ा वैलिड पेंड्रोम यहाँ पर कौन है सबसे बड़ा वैलिड पेंड्रोम यह है इसके अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है ना वो आपका कल्प्रिट है जैसे यहाँ पर देखो ए बी ए डी में ये तो पेलिंड्रोम दिख रहा है मुझे ए बी ए इट इज़ अ पेलिंड्रोम सबसे बड़ा पेलिंड्रोम वैलिड पेलिंड्रोम ठीक है तो कल्प्रिट कौन है कल्प्रिट ये है और सबसे बड़ा वैलिड पेलिंड्रोम कहाँ से देखना है प्रिफिक्स वैलिड पेलिंड्रोम प्रिफिक्स क्योंकि याद करो आपको अपेंड यहाँ पर करना है ना ठीक है तो आपने क्या किया आपने ये देखा कि फ्रंट से मतलब यहाँ से सबसे बड़ा वैलिड पेलेंड्रोम कौन सा है तो ये ए बी ए बच गया ये यही तो है जो दिक्कत दे रहा है यहाँ पर नहीं है वो बंदा ठीक है तो यहाँ पर मैंने डी अपेंड कर दिया सिमिलरली यहाँ पर भी देखो सबसे बड़ा वैलिड पेलेंड्रोम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ए बी ए ये सबसे बड़ा वैलिड पेलेंड्रोम मुझे दिख रहा है ये डी डीजट तो पेलेंड्रोम का पार्ट है ही नहीं तो मतलब कल्प्रेट लोग यही है यही कल्प्रेट है जो पेलेंड्रोम बनाने से रोक रहा है मुझे तो मैं क्या करूँगा आग बंद करके इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा जेड डी ठीक है तो अब देखो ये वाले एग्जाम्पल को देखो सेम एग्ज़ाम्पल को मैंने दोबारा लिखा है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको आसानी से ये मेरा इनपुट है ठीक है अब मैं क्या करूँगा ना इसको रिवर्स कर दूंगा तो मुझे कंपेयर करने में बड़ा आसानी होगा कि कौन सा कल्प्रिट है उसको निकालने में बड़ा आसानी होगा अभी थोड़ा सा दे देखो एक मिनट में क्लियर हो जाएगा देखो ध्यान देना मान के चलते हैं आपने इसको रिवर्स कर दिया तो ये रिवर्स स्ट्रिंग है इसी को रिवर्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा Z X A B A ठीक है अब देखो ध्यान देना यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर जो स्ट्रिंग है वो अपने रिवर्स के बराबर हो गया तब तो भाई वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वही मेरा आंसर हो जाएगा कोई एक्स्ट्रा करेक्टर अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है बट अभी ये देखा जाए तो यहाँ से लेकर इंडेक्स नंबर जीरो से लेकर इसका लेंथ कितना है एक दो तीन पाँच है एन इजिकल टू पाँच ज़ीरो से लेकर पाँच लेंथ का जो स्ट्रिंग है पूरा ये इसके बराबर नहीं है ऑब्वियस ही बात है तभी तभी तो ये पैलेंड्रॉम नहीं है ठीक है तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं अब मैं क्या करता हूँ जीरो से लेकर थ्री तक को देखता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर इतना तो पैलेंड्रॉम नहीं बन पा रहा था राइट इतना ये इसके बराबर नहीं हो पा रहा था तो मैंने क्या किया मैं इतने को चेक करूँगा अब है ना क्योंकि ये बंदा मुझे धोखा दे दिया जेड तो इसको मैंने हटाने की कोशिश की मैं देखता हूँ कि अब ये पेलिंड्रोम बन पा रहा है क्या तो इसका लेंथ देखो तो कितना है एक दो तीन चार ठीक है अब देखो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा अब इतने का रिवर्स देखूँगा ठीक है इतने का रिवर्स देखूँगा तो एक्स ए बी ए ए बी ए एक्स है और ये एक्स ए बी ए है क्या दोनों इक्वल है नहीं ए बी ए एक्स इज इट इक्वल टू एक्स ए बी ए नो डेफिनेटली नॉट है ना तो इसलिए ये भी पेलिंड्रोम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का ये एक्स भी कल्प्रिट है ये पेलिंड्रोम बनने नहीं दे रहा है तो हमने x को भी एक्सक्लूड किया और अब हम इतने स्ट्रिंग को बस देखेंगे ए बी ए को देखेंगे ठीक है तो इसका लेंथ तीन है ना तो इसका तो रिवर्स स्ट्रिंग में उसका तीन लेंथ का सफिक्स देखते हैं हम लोग तो तीन लेंथ का सफिक्स ये है क्या ये दोनों इक्वल है यस yes, देखो ए बी ए इजिकल टू इजिक्वल टू ए बी ए है ना देखो ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक पैलिंड्रोम मिल चुका है इसमें वैलिड पैलिंड्रोम ये ए बी ए इट्स अ पैलिंड्रोम और कल्प्रिट कौन है कल्प्रिट है ये ये वाला पार्ट ठीक है तो हम लोग पता है क्या करें हमारा आंसर पता है क्या होगा हमारा आंसर होगा ये देखो हमारा आंसर होगा कि भाई जो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है है ना रिवर्स स्ट्रिंग में देखो जो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है ये जेड एक्स है ना इसको हम ऐड करेंगे जेड एक्स को बस हमें ऐड करना है कहाँ ऐड करना है अपने ओरिजिनल इनपुट में ए बी ए एक्स जेड देखो पैलेंडोम बन गया ठीक है कितना अच्छा ट्रिक है है, है ना आराम से रिवर्स करो और मैच कराते हुए चलो एक और इनपुट ले, ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो इसे कोड लिखने में आसानी होगी इसीलिए मैं यहाँ पर ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ देखो यहाँ पर ये यह मेरा इनपुट है मान लेते हैं तो मैंने इसका रिवर्स निकाल लिया पहले ही सी ए बी ए ठीक है इसका भी इंडेक्सिंग कर देता हूँ ज़ीरो वन टू थ्री तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा इसका लेंथ एनिजिकल टू चार है ना ठीक है तो हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है एस ठीक है पहले तो ये देखेंगे भाई एस जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स नंबर जीरो से लेकर जो पूरा लेंथ है उसका मतलब एन इसका लेंथ हो गया ना कि क्या ये बराबर है रिवर्स का कहाँ से कहाँ तक अगर आप रिवर्स का इन in, अभी इंडेक्स नंबर जीरो से देख रहे हैं ना इसका ठीक है तो ये रिवर्स का ज़ीरो से पूरा एंड तक ठीक है तो ज़ीरो से लेकर पूरा एंड तक सी ए बी ए हो गया यहाँ ए बी ए सी हो गया अब वैसे दोनों इक्वल नहीं है राइट ये इक्वल नहीं है ठीक है ओके यहाँ पर ये यह दोनों इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस हमने क्या किया फिर अब हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पर एक करेक्टर को छोड़ेंगे क्योंकि ये मुझे धोखा दे रहा है ठीक है तो मैंने इस करेक्टर को छोड़ा अब देखो अब मैं इस लेंथ को देख रहा हूँ ठीक है अब देखो ध्यान दो आ, अभी लेंथ मेरा कितना है इसका तीन हो गया ना तो एन माइनस वन क्योंकि मैंने एक करेक्टर को यहाँ पर हटा दिया राइट एन माइनस वन एक करेक्टर हटाया तो इंडेक्स नंबर जीरो से लेकर देखो तो एन मेरा चार था चार माइनस वन तीन यानी कि जीरो से लेकर तीन लेंथ का सबस्टिंग निकाल रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि क्या रिवर्स में मेरे पास है क्या कितना करेक्टर रिवर्स वाले में कितना करेक्टर मुझे स्किप करना है यहाँ पर एक करट्रेस स्किप किया ना तो यहाँ पर भी एक करेक्टर स्किप करना है मतलब इंडेक्स नंबर एक का स्किप करना है मतलब इंडेक्स नंबर वन से जो स्ट्रिंग मिलेगा मुझे मतलब इंडेक्स नंबर वन से लेकर पूरा स्ट्रिंग एंड तक ठीक है ए बी ए यहाँ तक क्लियर है तो क्या ये दोनों इक्वल है यस yes, इस बार ये दोनों इक्वल है इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें एक पैलेंड्रोम मिल चुका है जितना पैलेंड्रोम वैलिड पेलेंड्रोम है छिपा हुआ इसमें हमारे स्ट्रिंग में अब हमारा आंसर क्या होगा मैंने क्या बोला था कि जो रिमेनिंग कैरेक्टर है यहाँ पर रिवर्स में कैसे निकालोगे देखो रिवर्स डॉट सब एस टी आर ठीक है इंडेक्स नंबर जीरो से लेकर याद करो कितना कैरेक्टर हमने छोड़ा था एक कैरेक्टर छोड़ा था तो जीरो से लेकर वन तक का कैरेक्टर छोड़ दिया सी निकाल लिया बस हमें सी अपेंड करना था अपने अपने इनपुट में बस एस में फ्रंट में ऐड कर दिया हमने तो सी प्लस एस करोगे तो क्या हो जाएगा ये सी हो गया और एस हमारा क्या था ए बी ए सी ए बी ए सी देखो ये पहले नाम बन गया यहाँ तक क्लियर है काफ़ी सिंपल सोल्यूशन था देखा जाए तो अब एक काम करते हैं पहले इसको सबमिट करके देखते हैं देखते हैं इफ़ यूर एबल टू तो पास ऑल द टेस्ट केसेस ओके तो चलो इसे कोड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक रिवर्स स्ट्रिंग बना लेते हैं रेव नाम दे देते हैं इसमें एस असाइन करके इसको रिवर्स मार देते हैं रिवर्स बिगिन ऑफ रेव एंड ऑफ रेव ठीक है इसको रिवर्स मैंने मार दिया अब तो बड़ा आसान है इंट आई इज़ इक्वल टू जीरो आई इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस ठीक है देखो ध्यान देना हमने हमें क्या चेक करना था इफ एस डॉट सब एस टी आर ठीक है याद करो जीरो से लेते थे हमेशा ज़ीरो थे इंडेक्स से लेकर कितना एस डॉट लेंथ जितना है ठीक है माइनस आई अगर आई जीरो है तो एस डॉट लेंथ पूरा आ जाएगा अगर आई वन है तो मतलब लास्ट का एक कैरेक्टर छोड़, तो छोड़ रहे हैं अगर आई टू हुआ तो लास्ट का दो कैरेक्टर छोड़ रहे हैं एंड सो ऑन ठीक है ये जो सबसे निकल के आया अगर वो रेव डॉट एस यू बी एस टी आर इसका इंडेक्स नंबर आई से जो सबसे निकल आएगा अगर वो दोनों निकल आ गया मतलब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे प्रीफिक्स इन एस इक्वल टू इक्वल टू सफिक्स इन रेविस रिवर्स स्ट्रिंग ठीक है अगर ऐसा है तब तो हमारा आंसर आ गया ना ठीक है मतलब रेव डॉट सब एस टी आर हमें कल्परेट मिल गया कल्प्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा जीरो से लेकर इंडेक्स आई तक का कल्परेट होगा और उसको बस हमें एस के स्टार्टिंग में अपेंड कर देना है ठीक है और रिटर्न कर देना अगर ऐसा कुछ नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमें कल्परेट नहीं मिला है इसका मतलब पूरा इंटायर स्ट्रिंग ही कल्परेट है तो जो भी मेरा रिवर्स है उसको स्ट्रिंग में अपेंड करके भेज दो तो एक बार रन करके देखते हैं वी शुड बी एबल टू तो पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो और आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि ओ ऑफ एन स्क्वायर का सल्यूशन है एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया सबमिट करके देखते हैं एन डी yes, देखो मेमोरी लिमिट एक दे दिया है इसने और ये देना ही था और अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्या इशू है इसमें देख लो बार बार हम लोग यहाँ सबस्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं राइट और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले मैं आपको बताता हूँ बाहर वाला फॉर फॉलू बैंड टाइम चल रहा है अंदर देख रहे हो और सबस्ट्रिंग बार निकाल M, M तो बार सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो एन इन टू एन एन स्क्वेयर तो देख रहा बार बार आप सबसिंग निकाल रहे हो तो सबस्टिंग जब निकालते हो तो एक टेम्प्ररी वेरिएबल में वो सबस्टिंग निकलता है इंटरनली कंपाइलर निकालता है उसको इसीलिए इतना बड़ा अगर स्ट्रिंग होगा तो ऑब्वियसली बात है देखो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है ये तो मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगा यहाँ पर ठीक है और बहुत बड़ा और टाइम लिमिट एक्सीड भी हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रिंग है उसका बार बार आप सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो तो ऑब्वियस है दैट्स नॉट गुड तो ओ ऑफ एन इन टू यानी कि एन का पावर टू तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है क्यों क्योंकि मैंने सेम एस नाम का एक और ये रिवर्स स्ट्रिंग लिया जिसका लेंथ एन है ठीक है तो इसको कैसे फिक्स किया जाए मतलब सब अगर आप जावा में ये सबस्ट्रिंग वाला सोल्यूशन डालोगे ना तो एक्सेप्ट हो जाएगा ठीक है तो C++ में कैसे इसको फिक्स किया जाए वो मैं अभी आपको बताता हूँ अब देखो हमारा जो मेमोरी लिमिट लिमिट एक आ रहा है वो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हम बार बार सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं तो प्रॉपर सबस्ट्रिंग वो निकाल के स्टोर करता है तब कंपेयर करता है उसकी वजह से मेमोरी लिमिट एक आ रहा है क्योंकि बार बार हम सबस्ट्रिंग बना रहे हैं राइट तो इस सबस्ट्रिंग बनाने को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और स्पेशली ये सी प्लस प्लस के लिए mem, mem CMP, है मेम यूजिंग मेम सी एम पी ठीक है इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग सबस्ट्रिंग आई विल कंपेयर दी मेमरी देख रहा इसीलिए इसका नाम है मेमोरी कंपेयर मेम सी एम पी तो देखो पहले मैं बताता हूँ हो क्या रहा है कि आपका मान लेते इनपुट ये था ए बी ए यहाँ पर सी था तो याद करो ये हमारा एस था और हमने इसका रिवर्स निकाला था ठीक है तो रिवर्स निकाला था तो ये था सी हो जाएगा ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा ये ए हो जाएगा ओके तो याद करो हमने फिर क्या किया था इसका ये वाला सबस्ट्रिंग निकाला था और इसका ये वाला सबस्ट्रिंग निकाला था इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इतना प्रीफिक्स निकाला और इसका इतना सफिक्स निकाला तीन लेंथ का ठीक है दोनों का तीन लेंथ का ठीक है तो यहाँ पर एक करेक्टर हमने छोड़ा है ठीक है तो हमने कैसे निकाला था इसको एस डॉट सब एस टी आर ज़ीरो से इंडेक्स से लेकर कितना लेंथ एन माइनस एक करेक्टर एक्सक्लूड किया है ठीक है और इसका कैसे निकाला आ, रेव डॉट सब एस टी आर यहाँ पर एक करेक्टर छोड़ा ना तो यहाँ पर एक इंडेक्स के बाद है ना एक इंडेक्स से लेकर लेंगे मतलब इस इंडेक्स से ये जीरो है ये वन है टू है थ्री है, है इंडेक्स नंबर वन से लेकर एंड तक ठीक है वन से लेकर एंड तक ये ले लेगा ले ले, तो सब्सिंग निकाल दिया इसने ये वाला सब्सिंग निकाल दिया तो इसका तीन लेंथ का प्रीफिक्स और इसका तीन लेंथ का सफिक्स हम चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं तो ऑब्वियस है सब्सिंग निकाल रहे हो तो सबसिंग ये निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉपर सब्सिंग निकल रहा होगा ए बी ए टेम्प्रेरी यहाँ पर ए बी ए यहाँ पर भी टेम्परली हमने दो सबस्ट्रिंग निकाल दिया है एक ए बी ए और एक ए बी ए फिर कंपेयर कर रहे हैं तो ये सबस्ट्रिंग निकाल जो रहा है ना उससे बचने के लिए हम लोग कंपेयर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अब देखो ध्यान देना यहाँ पर आ, मैंने क्या बोला कि मैं मेम सी एम पी यूज़ करूँगा मैम सी एम पी अब मेम सी एम पी को आपको तीन चीज़ देना पड़ता है सबसे पहला कि जो आपका एस है पहला स्ट्रिंग जो है एस ठीक है और उसको आपको सी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देने पड़ेगा सी अंडर स्कोर एस टी आर ये उनके लिए जो सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं ठीक है जावा वालों के लिए नहीं है ये तो मैं और इसको कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो कर दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंने इतना ही दे दिया ठीक है और याद करो रिवर्स जो स्ट्रिंग था उसका हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे इंडेक्स नंबर वन से स्टार्ट कर रहे थे ठीक है तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो अगर मुझे ए इंडेक्स अगर आई इज़ इक्वल टू वन छोड़ना है मतलब एक करेक्टर छोड़ना है आई इज इक्ल टू वन करेक्टर तो एन माइनस आई बोल सकते हो यहाँ पर एन माइनस आई करेक्टर छोड़ना है ठीक है तो यहाँ पर आ, क्या करेंगे रेव डॉट और, तो, और यहाँ पर आई यूज़ कर लेंगे कि इंडेक्स नंबर वन से लेना है मुझे पूरा एंड तक ठीक है रेव डॉट सी अंडर स्कोर एस टी आर इसका कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को आई से स्टार्ट करेंगे ठीक है याद करो मैं क्या बोल रहा था इसका प्रीफिक्स है ना तो जीरो इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होगा ठीक है इसलिए यहाँ पर सी एस एंडर्स को सी एस टी आर ले लिया सिर्फ ठीक है भले यहाँ प्लस जीरो होगा बट फर्क नहीं पड़ता और रिवर्स स्ट्रिंग का कहाँ से ले रहे हैं इसे आई से ले रहे हैं मान लेते हैं आई इज इक्वल टू यहाँ पर एक लेंथ का छोड़ा था तो आई इज इक्वल टू वन था तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू वन से स्ट्रिंग ले रहे हैं तो देखो प्लस आई ले लिया और हमें कितने लेंथ का स्ट्रिंग लेना है दोनों का देखो तो इसका लेंथ कितना है टोटल एन है और उसमें एक कैरेक्टर हमने छोड़ दिया यानी कि एन माइनस आई लेंथ का देखना है ठीक है यहाँ पर भी एन माइनस आई लेंथ का ही है तीन ही लेंथ का तो है यहाँ पर भी तीन लेंथ का यहाँ पर भी तीन लेंथ का बट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है एक का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो थिनडेक्स है मतलब ये प्रिफिक्स है और एक का स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंडेक्स है मतलब ये सफिक्स है ठीक है यहाँ तक क्लियर है हम इन दोनों को कंपेयर करना कितने करेक्टर कंपेयर करना है एन माइनस आई आई करेक्टर्स कंपेयर करना है अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तो हमारा आंसर मतलब हमें पैलेंडोम मिल चुका है यहाँ तक क्लियर है और याद रखना कि मेम सी एम पी रिटर्न करता है ज़ीरो अगर ये दोनों कैरेक्टर ये दोनों जो सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं हम लोग प्रेफिक्स और सफिक्स उन मेमोरी मतलब ऑब्वियसली देखो ध्यान दिया जाए तो ये सी एंडर स्कोर एस टी पता है क्या कर रहा है उसको सी साइज स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है तो एक्चुअली में ये पॉइंटर हम लोग पास करते हैं मेम सी एम पी को अगर मेम सी एम पी का आप इंटरनल डिफिनेशन देखोगे तो उसको पॉइंटर चाहिए होता है पॉइंटेड टू द करेक्टर अरे तो एक्चुअली में ये पॉइंटेड टू द करेक्टर अरे हमने इसको प्रोवाइड किया है ये भी पॉइंटेड टू द करेक्टर अरे है क्योंकि स्ट्रिंग के एक्चुअली में करैक्टर अरे की तरह ही तो है एक अरे है जिसमें करेक्टर्स हैं ठीक है थीके? तो अगर ये दोनों इतने इतन, का इतना लेंथ का करेक्टर सारा सेम हुआ तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा तो हमें बस ये चेक करना है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमें पैलेंड्राम मिल चुका है ठीक है या तो इसको यहां पर नॉट लगा दो जीरो आएगा तो ऑबियस नॉट जीरो ट्रू हो जाएगा ठीक है अगर ऐसा होता है तो बात है हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा रिटर्न रेव डॉट सब एस टी आर ठीक है इंडेक्स नंबर जीरो से लेकर कहां तक आई तक और बस कहाँ जोड़ना है एस के बस फ्रंट में जोड़ना है तो ये रिटर्न कर देना आपको जैसे ही आपको इक्वल पेलेंड्रॉम मिल जाता है ठीक है नहीं मिलेगा तो फिर हमारा हम आई को और आगे बढ़ाएंगे फिर फिर उसके बाद नहीं मिलेगा तो फिर दो करेक्टर एक्सक्लूड करेंगे और यहाँ पर दो इंडेक्स के बाद यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करेंगे ए बी बी एंड सो ऑन ठीक है यहाँ तक क्लियर है ओके तो बस हम लोग क्या करेंगे सबस्ट्रिंग को रिप्लेस मार के ये वाला ऐड कर देंगे तो ये रियल में सबस्ट्रिंग नहीं क्रिएट करेगा बस कंपेयर करेगा जहाँ उस मेमोरी में जहाँ पर कैरेक्टर स्टोर्ड है दैट्स इट ठीक है तो इससे हमारा मेमोरी लिमिट एक्सीड से हम लोग बच जाएंगे और ये मोस्ट प्राइवली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए तो इसको भी सबमिट करके देखते हैं लेट्स यार एबल टू पास ऑल दिस केसेस तो देखो बस अब हमें क्या करना है ये सबस्ट्रिंग नहीं निकालना है और इन ऑफ क्रिएटिंग अ सबस्ट्रिंग एंड कंपेयरिंग हम डायरेक्टली करेक्टर जहाँ जहाँ स्टोर है जिन मेमोरी में, में, में वहाँ जाके स्टोर कर लेंगे तो उसके लिए मैंने क्या बोला मेमोरी कंपेयर मेम सी एम पी यूज़ करेंगे ठीक है किससे किसको किस को एस डॉट सी एंड उसको रेस टी आर सी टाइप स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया ठीक है और रेव डॉट uh, सी अंडर स्कोर एस टी आर इसका किस इंडेक्स है इसका आई एथ इंडेक्स है और कितना लेंथ का एस डॉट लेंथ माइनस आई लेंथ का ये भी मैंने आपको बता दिया और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो मतलब इक्वल मिल चुका तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं नॉट ऑफ जीरो वन आ जाएगा ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर घुस जाएगा ये बाकी सब कुछ सेम है यहाँ तक क्लियर है रन करके देखते हैं वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस उसके बाद सबमिट करके देखते हैं कि सी प्लस प्लस में अब एक्सेप्ट हो पा रहा है कि नहीं सोल्यून देखो इस बार एक्सेप्ट हो गया है ना लेकिन हाँ टाइम अभी भी ओ ऑफ एन स्क्वायर है क्यों क्योंकि यहाँ ओ ऑफ एन लग रहा है और यहाँ कंपैरिजन तो कर ही रहा है ना भले सबस्ट्रिंग नहीं क्रिएट कर रहा बट कंपैरिजन कर रहा है जिसमें ओफ एन टाइम लगेगा बट ये एक्सेप्ट हो गया है ठीक है तो अब हम लोग आते हैं इसके और बेटर सोल्यूशन पर अब देखो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो सबस्ट्रिंग निकालने वाला अप्रोच था ये मेम सी एम पी वाला नहीं जो सब एस टी आर कर रहे थे उससे सी प्लस प्लस के टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे लेकिन जावा से अगर आप ट्राई करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा सोल्यूशन आपका ठीक है यहाँ तक क्लियर है ओके okay, अब आते हैं अपने लास्ट अप्रोच पे और मैं ज़रूर से ये बताना चाहता हूँ कि वो अप्रोच क्यों किसी के दिमाग में आएगा बट उसका प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेरा के का वीडियो देख रखा हो इस के वीडियो पर बहुत अच्छा फीडबैक आया था और बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो इस के की मदद से बने थे तो ज़रूर से ये के देखना इस के के वीडियो में मैंने एक चीज़ सिखाया था एल नाम का एक अरे बनाते थे हम लोग ठीक है इसका मतलब क्या होता था मैं अभी फिर से रिवाइज़ करवा दूंगा आपको बट यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कैसे पकड़ेंगे कि भाई ये एल वाले कोड से बनेगा ये प्रॉब्लम सबसे ज़रूरी चीज़ तो वही है तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ यूजिंग के कैसे ये सॉल्व होगा किसी के दिमाग में कैसे आएगा कि ये के का वाले कंसेप्ट से बन जाएगा अब देखो तो ध्यान देना यहाँ पर आपको याद है ना अभी थोड़ी देर पहले मैं, हम मैंने आपको बताया था कि हम जो स्ट्रिंग एस है उसका रिवर्स निकालते थे और यहाँ पर प्रीफिक्स ढूंढते थे जो कि इस सफिक्स से बराबर होता था मतलब लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम ढूंढते थे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो कि पैलिंड्रोम होता था जो कि इसके सफिक्स के बराबर होता था ठीक है तो देखा है तो आप यहां पर पता है क्या ढूंढ रहे हो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स इन एस विच इज इक्वल टू सफिक्स इन रिव रिवर्स वाला स्ट्रिंग अब आपको याद होगा अगर आपने मेरा के वाला वीडियो देखा है तो ये सेम लाइन मैंने आपको बताया था कब जब मैं एल पढ़ा रहा था के वाले वीडियो में तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो के वाला वीडियो उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा पहले के का वीडियो देख कर आ तो यूट्यूब में सर्च मारो के एम पी बाई कोट सोरी विथ माइक आपको डायरेक्टली वो वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से एक एक चीज़ समझना वहाँ का ठीक है तो बट बस अभी मैं आपको एक बार एल रिवाइज़ करा देता हूँ कि एल क्या होता था तो देखो एल क्या होता था मैं एक बार रिवाइज़ कराता हूँ एल नाम का एक अरे हम लोग बनाते थे ठीक है उसका साइज बिल्कुल इसी स्ट्रिंग के बराबर होता था ठीक है और आप याद रखना मैं यहाँ पर एक करेक्शन कर देता हूँ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रिफिक्स होता था ऐसा लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रिफिक्स इन एस विच इज़ इक्वल टू सफिक्स इन रिवाइज स्ट्रिंग तो एल का डिफिनेशन क्या होता था कि अगर एल ऑफ आई का मतलब क्या होता था प्रॉपर प्रिफिक्स इन एस विच इज़ ऑल्सो सफिक्स इन एस ठीक है वहाँ पर हम लोग पैटर्न नाम का एक स्ट्रिंग भेजते थे आपको याद होगा ठीक है तो मान के चलते हैं ये हमारा स्ट्रिंग है ये पैटर्न है मान के चलते हैं तो देखते हैं इसका एल कैसे निकालते थे देखो ये अभी मान हमारे आई मेरा यहाँ पर है तो देखो इतना सबस्ट्रिंग की मतलब बात हो रही है सिर्फ ठीक है कितने सबस्ट्रिंग है ये वाले सबस्ट्रिंग की तो देखो इसका सफ़िक्स ये है और प्रीफिक्स भी यही है तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सफ़िक्स या तो फिर प्रॉपर प्रीफिक्स ये नहीं है क्योंकि देखो सफ़िक्स और प्रीफिक्स दोनों ओवरलैप हो गया है यहाँ पर पूरी तरह से तो ये प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है तो अब वैसे इसका एल पी एस जीरो होगा ये सारे मैंने एल पी आपको के के एम पी में बता रखा है अब मेरा आई जब आगे बढ़ा तो इसका मतलब अब हम इस सबस्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ठीक है इसकी बात कर रहे हैं ए बी की तो आई यहाँ पर है तो इस सबस्ट्रिंग में बताओ प्रॉपर प्रिफिक्स जो सफिक्स के बराबर है इसका प्रॉपर प्रिफिक्स तो एक ये दिख रहा है क्या ये सफिक्स के बराबर है नहीं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो इसका भी एल पी एस ज़ीरो होगा अब मान लेते हैं आई यहाँ पर आए अब देखना अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है अब इस सबस्ट्रिंग की बात हो रही है ए बी ए इसमें प्रॉपर प्रिफिक्स बताओ जो सफिक्स के बराबर है प्रॉपर प्रिफिक्स ये और प्रॉपर सफिक्स ये देखो एक्जैक्टली इक्वल है दोनों का लेंथ क्या देखो तो इसका लेंथ एक है इसका लेंथ एक है दोनों इक्वल है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वन ठीक है ओके okay, अब मान लेते आई यहाँ पर आ गया ए बी ए एक्स की अब बात हो रही है ठीक है ए बी एक्स इसमें प्रॉपर प्रिफिक्स बताओ जो सफिक्स के बराबर है यहाँ पर ए दिख रहा है यहाँ पर एक्स है तो भाई प्रिफिक्स सफिक्स इक्वल हो ही नहीं सकता चाहे ये ए भी ले लो तो यहाँ पर ए एक्स आएगा तो ऑब्वियस वो दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ इसका आंसर होगा जीरो ठीक है कि इस इंडेक्स तक में एल जो है वो ज़ीरो है ये रहा यहाँ पर ठीक है अभी अभी काम करते हैं मान लेते हैं आगे बढ़ गए हम लोग और हम लोग यहाँ पर आ गए ठीक है इधर ठीक है तो मतलब इस सबस्टिंग की बात हो रही है अब इसका बताओ क्या आंसर होगा देखो प्रॉपर प्रिफिक्स ये ए और ये ए इसका सफ़िक्स ए है दोनों इक्वल है क्या और भी हो सकता है क्या बी है क्या नहीं यहाँ एक्स है ठीक है तो ऑबियस ही बात है इसका प्रॉपर प्रिफिक्स ये ए जो है वो इस ए के बराबर है ठीक है तो इसका लेंथ यहाँ पर वन होगा ठीक है ये मतलब पूरा अरे है आपका एल वाला अरे है ठीक है अब देखना आई मान लेते हैं यहाँ पर आ गया अब देखना अभी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सबसिंग की अब बात हो रही है प्रॉपर प्रिफिक्स के बताओ जो प्रॉपर सफिक्स के बराबर है देखो तो इसका प्रिफिक्स ए बी दिख रहा है आपको ए बी है ना और इसका प्रिफिक्स देखो ए बी दोनों बराबर है इसका सफिक्स सॉरी प्रॉपर प्रेफिक्स ये ए बी है प्रॉपर सफिक्स ये ए बी है दोनों इक्वल है ए बी इक्वल टू ए बी दोनों का लेंथ क्या है टू है तो यहाँ पर टू होगा ठीक है मतलब एल पी एस ऑफ दिस इंडेक्स इज इक्वल टू टू ठीक है अब देखो यहाँ पर देखना ये यहाँ पर अगर आई आता है मतलब पूरे सफ्सिंग की बात हो रही है इसका प्रॉपर प्रिफिक्स बताओ जो एक्जैक्टली exactly इस, इसके सफिक्स के बराबर हो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रिफिक्स ये देखो ए बी ए और ये ए बी ए ये परिफिक्स हो गया और ये सफिक्स हो गया इससे बड़ा नहीं हो पाएगा अच्छा हाँ और देखो एक एक कन्फ्यूजन बहुत लोग को होती है यहाँ पर है ए बी ए एक्स है और इसका सफिक्स है एक्स ए बी ए तो ऑब्वियसली तो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ए बी ए एक्स को ऐसे लिखते हैं और इसका सफिक्स जो है वो एक्स ए बी ए है ऑब्वियस से बात है दोनों इक्वल नहीं है है ना तो ए बी ए लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे इसको और ये ए बी ए तो इसका लेंथ कितना हो गया तीन हो गया सॉरी यहाँ पर तीन हो गया ठीक है यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ इसका इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगर मैं आपसे पूछूं कि एल पी एस ऑफ टेन क्या है मतलब टेंथ इंडेक्स का एल पी एस क्या है थ्री है मान लेते हैं ये टेंथ इंडेक्स है थ्री है इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से लेकर टेंथ इंडेक्स तक का जो सबस्ट्रिंग है उसमें जो सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो अपने सफिक्स के एग्जैक्टली इक्वल है उसका लेंथ तीन है ये ए बी ए और ये ए बी ए चलो ये तो रिविजन हो गया बट इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने प्रॉब्लम में ठीक है तो मान के चलते हैं हमारे इस प्रॉब्लम में हमारा इनपुट था एस इज़ इक्वल टू ए बी एक्स जेड मान लेते ये इनपुट था तो याद करो हम लोग इसका रिवर्स निकालते थे ना ठीक है रिवर्स भी निकाल ही लेते हैं जेड एक्स ए बी ए ये रिवर्स निकाल लिया अब मुझे एल पी एस निकालना है याद करो एल एल पी एस निकालना है और क्यों निकालना था याद करो मैं क्या हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता था कि इस स्ट्रिंग में सबसे बड़ा प्रीफिक्स निकालो जो सबसे जो सफिक्स के बराबर हो रहे रिवर्स सबस्ट्रिंग में तो इसका ए बी ए था और इसका ए बी ए था इससे फ़ायदा क्या होता था कल्प्रिट सबस्ट्रिंग निकल के आता रहता था ये जेड एक्स कल्प्रिट सबस्ट्रिंग है ठीक तो है ठेके? तो सबसे बड़ा प्रिफिक्स निकालना है जो इसके सफिक्स के बराबर हो बट ये दोनों तो अलग अलग सबस्ट्रिंग है मतलब दोनों तो अलग अलग स्ट्रिंग है ना एक तो ये स्ट्रिंग है एक तो ये स्ट्रिंग है बट एल पी एस वाला फंक्शन याद है उसमें हम एक स्ट्रिंग भेजते थे तो क्यों ना हम क्या करें एस और रिवर्स को जोड़ के भेज दें एस को और रिवर्स को जोड़ के भेज दें बट दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों को सेपरेटर डाल देंगे दोनों के बीच में मतलब कुछ ऐसे डाल देंगे ए बी एक्स जेड और बीच में कोई सेपरेटर डाल दो कुछ भी करेक्टर डाल दो ताकि बस इतना रहे कि एस और रिवर्स अलग अलग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो मतलब मैंने एक एक स्ट्रिंग बना दिया दोनों को कंबाइन करके जिसमें ए बी ए एक्स जेड ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है बीच में मैंने एक कोई भी सिम्बल डाल दो आपके मन आप हैश डाल दो या डैश डाल दो कुछ भी डाल दो फर्क नहीं पड़ता तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर एक डैश डाल दिया उसके बाद रिवर्स को जोड़ के लिख दो जेड एक्स ए बी ए अब आप आँख बंद करके इसका एल निकाल दो ठीक है आँख बंद करके आप इसका एल निकाल दोगे तो आपको आपका आंसर आपके सामने होगा देखो कैसे इसका एल निकालोगे तो पता एल पी निकालोगे तो क्या आएगा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन टू थ्री अब कोई भी एक को पकड़ के मैं आपको समझा देता हूँ इसको ध्यान से देखना इसका वैल्यू टू क्यों है मतलब इस इंडेक्स तक का वैल्यू क्यों टू क्यों है मतलब इतने सबस्ट्रिंग के अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा प्रीफिक्स बताओ जो इसके सफिक्स के बराबर हो इस सबस्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या है देखो तो ए बी दिख रहा है और यहाँ पर भी सफिक्स देखो ए बी दिख रहा है दोनों इक्वल है इसका लेंथ क्या है दो है ठीक है अब इसमें बताओ इस पूरे सबस्ट्रिंग में सबसे बड़ा प्रीफिक्स बताओ जो ए अपने सफिक्स के बराबर है प्रीफिक्स ए बी ए सफिक्स ए बी है जिसका लेंथ तीन है ठीक है तो ऑब्वियस से बात है मुझे क्या चाहिए एल पी एस ऑफ इस पूरे स्ट्रिंग का हम हमें सबसे बड़ा प्रीफिक्स चाहिए जो कि सफिक्स के बराबर हो और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा इस लास्ट इंडेक्स में प्रेजेंट होगा तो इसका लेंथ जितना भी है मान लेते हैं इसका लेंथ कैपिटल एन है तो एन माइनस वन एथ इंडेक्स में जो होगा ना वो इस पूरे स्ट्रिंग का मुझे एल पी एस दे देगा ठीक है कि इस पूरे स्ट्रिंग में सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो इसके सफिक्स के बराबर हो यहाँ तक क्लियर है तो एल पी एस ऑफ एन माइनस वन विल बी इक्वल टू क्या हो गया थ्री हो गया तो थ्री से मुझे ये आइडिया लग गया कि अच्छा तीन लेंथ का तीन लेंथ का एक प्रिफिक्स है जो इसमें प्रेजेंट है ठीक है और एज अ सफिक्स वो इसमें भी प्रेजेंट है ठीक है ये मेरा एस हो गया और ये मेरा रेव हो गया रिवर्स स्ट्रिंग हो गया और हमें याद करो यही हमारा गोल होता था सबसे बड़ा प्रिफिक्स इसमें जो इसमें के सफिक्स के बराबर हो तीन लेंथ निकल के आ गया यहाँ तक क्लियर है इसके बाद कुछ नहीं करना जब मुझे पता है कि तीन लेंथ का इक्वल है तो बस मुझे क्या करना है रिवर्स में सबस्ट्रिंग निकालना है ज़ीरो से लेकर कितना इसका जो लेंथ है हमारे इसका एक दो तीन चार पाँच छः लेंथ है ना जिसमें तीन लेंथ तो इक्वल है ऑलरेडी तीन लेंथ का ये तो ए बी है।, है तो इक्वल है ठीक है तो एन माइनस तीन ठीक है जो भी एल पी एस ऑफ एन माइनस वन आया था एन माइनस थ्री कर दिया तो ज़ीरो से लेकर इतना लेंथ का मतलब दो लेंथ का जेड एक्स निकल गया मेरा यहाँ से है ना रिवर्स में इसका मैंने सबसिंग निकाला इंडेक्स नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करो और एन माइनस तीन लेंथ ठीक है तो एन कितना था एक दो तीन चार पाँच छः छः माइनस नहीं एक दो तीन चार पाँच चर, पाँच माइनस तीन दो यानी कि जेड एक्स निकल कर आ जाएगा मेरा ठीक है इससे जेड एक्स मिल जाएगा अब बस मुझे याद करो क्या करना होता था जेड एक्स को बस एस के फ्रंट में अपेंड करना होता था यही मेरा आंसर होता था याद करो बस तो एल पी एस की मदद से बस हमें यही निकालना था कि भाई कितना बड़ा सफिक्स है हमारे सॉरी प्रिफिक्स है हमारे एस में ठीक है जो कि इस रिवर्स स्ट्रिंग में एज अ सफिक्स प्रेजेंट है और सेम काम हम लोग एल पी एस में करते थे इन के एम पी ठीक है तो मुझे याद है आई थिंक पिछले साल मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था बट मैं के एम पी से नहीं बना पाया था ठीक है बट नाउ आई रियलाइज़ कि अच्छा के एम पी में जो एल पी एस वाला कंसेप्ट है ऑब्वैस उससे बन सकता है तो मैंने आपको जब के पढ़ाया था ना तब मैंने आपको बताया भी था कि जो एल वाला कोड है ना ये खुद में ही एक क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं देखो ये दिस इज़ वन ऑफ़ दी क्वेश्चन जो कि एल के कंसेप्ट से बन जाएगा तो एल का सेम कोड मैं बस कॉपी पेस्ट मार दूंगा एकदम ब्लाइंडली सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा आप मेरा के वीडियो देख लेना वहाँ पर मैंने एल का कोड लिख के समझाया भी है तो मैं लेकिन से, सेम कोड कॉपी पेस्ट मारूंगा और देखना कितना ईजिली हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है और इसका टाइम कम्पेसिटी से इंप्रूव हो चुका होगा काफ़ी मैं आपको दिखा दूंगा अभी टाइम कम्प्लेटी तो चलो इसका कोड करते हैं इसको फिनिश करते हैं तो चलो अब इसको के वाले तरीके से बनाने देते हैं तो मैंने वो क्या बोला था कि कंप्यूट एल वाला फंक्शन मैंने ऑलरेडी कैल लिख रखा कॉपी पेस्ट कर रखा बस देखो सेम मैंने कोड कॉपी पेस्ट मारा है अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है के वाला तो आपने देखा होगा मैंने सेम कोड यहाँ भी लिखा था तो मैंने कॉपी मार दिया ताकि टाइम हमारा बच सके ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले लॉजिक पे मैंने क्या बोला एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाएंगे ठीक है जिसमें एक ले लेते हैं स्ट्रिंग इसमें एस ले लिया रिवर्स बिगिन ऑफ रेव एंड ऑफ रेव ठीक है ओके यहाँ तक क्लियर है इसके बाद मैंने क्या बोला कि एक कंबाइंड स्ट्रिंग बनाते हैं जिसका नाम टेम्प दे देते हैं कुछ भी नाम दे दो एस प्लस दोनों स्ट्रिंग अलग अलग ट्रीट होना चाहिए इसीलिए दोनों को डैश से या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से हम लोग अलग कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग भी हमने अपेंड कर दिया यहाँ तक क्लियर है ओके okay. इसके बाद मैंने क्या बोला कि एक वैक्टर ऑफ इंट एल पी एस ले लेते हैं और इसका साइज़ क्या होगा जो भी टेम्प का साइज़ होगा टेम्प डॉट लेंथ ठीक है स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू जीरो होगी तो एल पी एस अरे अभी हम लोग बनाना है तो कंप्यूटर एल पी एस वाला फंक्शन कॉल करते हैं ठीक है इसमें हमें पैटर्न देना पड़ता था तो हमारा पैटर्न इस बार क्या है टेम्प है जिसमें दोनों स्ट्रिंग है क्योंकि एस का हमें प्रीफिक्स देखना रेव का सफेक्स देखना टेम्प भेज दिया और ये एल वाला अरे भेज दिया तो एल मेरा पॉपुलेट करके दे देगा वो यहाँ तक क्लियर है ओके अब इसके बाद मैंने क्या बोला अब इसके बाद तो बहुत आसान हो गया कि भाई लॉन्गेस्ट ये एल लेंथ हमें किसका देखना है एल ऑफ टेम्प डॉट लेंथ लेंथ माइनस वन मतलब लास्ट वाला एलपीएस देखना क्यों क्योंकि मुझे जीरो से लेकर पूरा स्ट्रिंग का निकालना है एलपीएस क्योंकि उस पूरे स्ट्रिंग में एस भी इंक्लूडेड है और रेव भी इंक्लूडेड है तो टेम डॉट लेंथ माइनस वन लास्ट से निकालनी या तो ऐसे भी निकाल सकते थे टेम डॉट बैक तो मतलब तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है ठीक है इसके बाद तो बहुत आसान है स्ट्रिंग रिजल्ट विल बी इक्वल टू रेव डॉट सबस्टीआर जीरो से लेकर कहां तक लेना था याद करो एस डॉट लेंथ ठीक है कितना लेना था माइनस ऑफ ये जो हमें निकाला लॉन्गेस्ट एल पी एस लेंथ इतना और रिटर्न क्या करना है uh, जो भी रिजल्ट आया मतलब रिजल्ट नहीं इसको so कलप्रिट बोल दो कल है ना और कलप्रिट प्लस इसको बस एस के पीछे अपेंड कर दिया हमने है ना रन करके कर देखते हैं वी शुड बी एबल टू पास ऑल दसेस एन डी डी एस देखो इसका टाइम कॉम्पलिस कितना होगा एल पी एस ओ ऑफ एन टाइम लेता है ठीक है यहाँ पर uh, भी हम लोग सबसे निकाल रहे हैं तो ऑफ एन टाइम है तो हमारा टाइम कम्प्लेसिटी बहुत इंप्रूव हो गया ओफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन चले गए ठीक है और स्पेस कम्प्लेसिटी अभी भी ओ ऑ ऑफ है क्योंकि यहाँ ओ ऑफ एन है क्योंकि हमने देखो यहाँ स्पेस लिए ये ये लिया है एल पी एस जिसका लेंथ क्या है ओ ऑफ़ टू एन है बट स्टिल अप्रॉक्सीमेट करके ओ ऑफ एन स्पेस बोल सकते हैं सबमिट करके देखते हैं कोई भी डाउट होगा रीजन इन द कॉमेंट सेक्शन काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू